अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसमें मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। ये फिल्म शक्तिशाली हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता पर आधारित है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से फिल्म के प्रमोशन और इतिहास पर दिए गए ज्ञान के कारण अक्षय कुमार ट्रोल भी हो रहे हैं। इसी पूरे मसले पर वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये सिनेमा है मित्र, सिनेमा। यहाँ राणा प्रताप बनने वाले अकबर भी बन जाते हैं, पृथ्वीराज बनने वाले खिलजी, गजनी, गोरी, जो बताओ वो बन जाएंगे। आप स्क्रिप्ट और मुद्रा तो लाओ, लक्ष्मीबाई बनने वाली विक्टोरिया बन जाएगी। इसलिए ज्यादा गंभीरता से मत लो, सिनेमा को सिनेमा की ही तरह लो। इस ट्वीट में सीधे सीधे अमिताभ अग्निहोत्री जी लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि एक फिल्म है, उसे फिल्म की तरह लिया जाए। हर अभिनेता अपने फिल्म का प्रमोशन करता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान का वंश क्या था, उससे लेकर राजपूत करणी सेना के शीर्षक को बदलवाने की मांग तक फिल्म को काफ़ी विवादों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार फिल्म रिलीज हो गई है और आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आप जाकर इसे देख सकते हैं।